नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया की एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। और ये जो वैकेंसी हम लेकर आए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम की तरफ से है, जो और डिपार्टमेंट है उसका इरिगेशन। सो इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ है। सो जो भी आसाम के कैंडिडेट्स हैं, भाई बहन हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 643, सो जॉब ओपनिंग्स फॉर 643 डिफरेंट पोस्ट। तो ये एक वेब का एडवर्टाइजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाता है जो कैंडिडेट्स इंटेंड कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, और एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट। तो जो नीचे पोस्ट दी गई है उसको फिल करने के लिए, अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चीफ इंजीनियर एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स ऑफ इरीगेशन डिपार्टमेंट एज स्टेटेड बिलो। सो ऑल डिटेल्स जो दी गई है पोस्ट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सेलेक्शन प्रोसीजर और कुछ और इन्फॉर्मेशन, वो आप यहाँ से देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखते हैं आप डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सो डिटेल्स यहाँ पर पोस्ट की दी गई है और इसकी कितने नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे, क्या स्केल रहेगा पोस्ट का, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है उसका, और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, मस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। सो पहली पोस्ट है सबॉर्डिनेट इंजीनियर, और ये ग्रेड 1 की पोस्ट रहेगी। और ये जो डिसिप्लिन है वो सिविल है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 21 है। स्केल ऑफ पे 14,000 से लेकर 60,500 का है, सो काफ़ी अच्छा पे स्केल है इसका। ग्रेड पे 6800 का है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें सर्टिफिकेट ऑफ ड्राफ्टमैनशिप इन सिविल और पास द 2 ईयर्स कोर्स ऑफ 3 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन सिविल फ्रॉम ए रिकोगनाइज पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। दूसरी पोस्ट यहाँ पर मैकेनिकल के लिए है, जिसमें एक ही है और सेम इसमें पे स्केल है, और इसमें मैकेनिकल में यहाँ पे आपका कोर्स होना चाहिए। अगली जो है जूनियर असिस्टेंट HOD लेवल है, 23 नंबर पोस्ट है, और इसमें सेम इसका पे स्केल है 14,000 से 60,500। इसमें आपको डिग्री एग्जामिनेशन चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी एग्जामिनेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट देयर टू हैविंग कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस कंपलसरी। तो इसमें आपका कोई भी डिग्री एग्जामिनेशन का होना चाहिए पास, लेकिन आपको कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए, जिसमें MS ऑफिस कंपलसरी आना चाहिए। अगला जो है जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल का, 159 नंबर इसकी पोस्ट है और सेम पे स्केल है। इसमें भी आपको डिग्री होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, और आपको MS ऑफिस कंपलसरली आना चाहिए। अगली जो पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 397 सेक्शन असिस्टेंट की, और इसमें HSSLC और इक्विवेलेंट यानी कि 10+2 होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल से। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डिग्री मांग रहा है और पे स्केल यहाँ पर 14,000 से लेकर 60,500 है। यहाँ पर 12th मांग रहा है और सेम पे स्केल है, बट ग्रेड पे यहाँ पर फ़र्क है। यहाँ पर 6200 है, यहाँ पर 5600 है। आगे पावर पंप ऑपरेटर है, इसमें 41 वैकेंसीज़ है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी 12th मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज हेल्पर। और आगे देखते हैं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर में एक पोस्ट है यहाँ पर, तो इसका भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th मांगा गया है, बट मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 643 यहाँ पर है। रिजर्वेशन के बारे में है कि रिजर्वेशन यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ऑफ आसाम का रूल है वो अप्लाई होगा यहाँ पर। और एज लिमिट देखिए यहाँ पे 18 ईयर्स से लेकर 38 ईयर्स तक है एज ऑन 1/1/2020। और यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा 5 ईयर्स SC ST एंड 3 ईयर्स OBC के लिए। एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है कि ये आप परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए आसाम के लिए। सो बाहर के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली जो रेजिडेंट हैं आसाम के, तो ये आसाम के लिए ही ये बेसिकली ये वैकेंसीज आई है। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है कि आपको इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। जो लिंक दिया गया है यहाँ पर https://irrigation.assam.gov.in, और ये 20 दिसंबर यानी आज से चालू हो जाएगा सुबह 10 बजे से। डेडलाइन इसकी है 8 जनवरी 2020 23:59 आवर्स तक, सो रात 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। एडमिट कार्ड फॉर OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आपके एप्लीकेशंस वो चेक करने के बाद एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा, जिसका आपका इंटीमेशन SMS या ईमेल के द्वारा दिया जाएगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा,
कि OMR बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, यानी ये पेपर पेंसिल वाला एग्जामिनेशन रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। और बाद में ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सो जो सिलेक्शन होगा वो आपका OMR बेस्ड रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हिसाब से इसमें रहेगा। इसमें कोई भी वाइवा वो से नहीं रहेगा, यानी कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं रहेगा। अदर कंडीशंस भी दिए गए, ये आप इसको पढ़ लीजिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, तो रिटन एग्जामिनेशन देखिए क्या रहेगा। इसमें जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज के यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स के यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे। सो टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर टेस्ट 25 मार्क्स का रहेगा, ग्रैंड टोटल 125 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे। सो कैंडिडेट्स को 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रिटन टेस्ट में अटेंड करने हैं, और हर एक जो करेक्ट किए उनके 1 मार्क मिलेंगे। क्वेश्चन अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करता तो उसको कोई क्रेडिट या डिसक्रेडिट नहीं दिया जाएगा। सो 1:4 रेशियो में आपको रिटन एग्जामिनेशन के बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन असिस्टेंट का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। इससे पहले हमने जो देखा था वो जूनियर असिस्टेंट का क्राइटेरिया था यहाँ पर सिलेक्शन के लिए। तो उनको 50 क्वेश्चंस का पेपर दिया जाएगा। इस तरह सबॉर्डिनेट इंजीनियर का यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंप ऑपरेटर का यहाँ पे दिया गया है क्राइटेरिया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर का यहाँ पे दिया गया है कैसे उनका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। तो अलग अलग वैकेंसीज़ का यहाँ पे अलग अलग ये एग्जामिनेशन दिया गया है। और यहाँ पर सबॉर्डिनेट इंजीनियर, ये आप इसके बारे में डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं, सेक्शन इन असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। ये जो वैकेंसी है स्पेसिफिकली ये आसाम रेजिडेंट के लिए है, तो अगर जो भी आसाम के रेजिडेंट हैं वो इस वैकेंसीज़ में अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। अगर नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो अपने फ्रेंड्स का शेयर कर सकते हैं, तो अगर वो इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनका कुछ इसमें भला हो जाए, उनको अब जॉब मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।